हाय फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ टोकन एंड जावा स्टडी करेंगे। बेसिकली टोकन क्या है? द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ ए प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट लाइक सी हियर, ए इक्वल टू बी प्लस 10, ए इक्वल टू बी प्लस 10, ओके। सो हियर देयर फ्यू कंपोनेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट्स है? यहाँ पर एक है, यहाँ एक है, ये बी है, यहाँ पर 10 है, ये इक्वल टू एक साइन है, यहाँ एक ऑपरेटर है और ये एक सेमीकॉलन है। नाउ ईच का एक पर्पस है। इसको आइडेंटिफायर यहाँ पर आया फर्स्ट, तो आइडेंटिफायर क्या हो गया? ये हो गया आइडेंटिफायर। एंड यहां पर ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द असाइनमेंट। असाइनमेंट नेक्स्ट आता है ऑपरेटर। सो यहां पर ये प्लस जो है, ये एक ऑपरेटर है, और ये किस तरह का ऑपरेटर है? दिस इज कॉल्ड द अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। देन आता है लिटरल। लिटरल मीन्स कॉन्स्टेंट वैल्यू। सो हियर कॉन्स्टेंट क्या है? 10। 10 इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू ओवर हियर, सो दिस इज अ लिटरल। एंड देन द पंक्चुएटर, हियर इज द पंक्चुएटर। सो ये पंक्चुएटर हो गया, दैट इज सेमी कॉलन, हियर इज अ पंक्चुएटर, इट्स एंड ऑफ द लाइन हियर, इट्स मीन्स एंड ऑफ द लाइन। सो ये ईच इंडिविजुअल जो है एक टोकेंस हुआ, यानी टोटल को हम बोलेंगे एक सिंटैक्स। टाइप्स ऑफ टोकेन क्या क्या होता है? एक होता है, फर्स्ट होता है लिटरल्स। नाउ लिटरल्स जो है आर ए कॉन्स्टेंट इन जावा, और लिटरल्स आर द कॉन्स्टेंट इन जावा। सो अब यहां पर लिटरल्स जो है लाइक अगर हम से 5 लिखते हैं, से 5 लिखते हैं, 5 इज अ लिटरल। नाउ व्हाट काइंड ऑफ लिटरल इट इज? इट इज एन इंटीजर लिटरल। नाउ अगर हम बोलेंगे से 5.0, तो ये किस तरह का लिटरल है? इट्स ए फ्लोटिंग लिटरल, से फ्लोटिंग लिटरल। नाउ अगर हम मान लिए कि हमने ए यहां पर लिखा, दिस इज द कैरेक्टर लिटरल। अगर हम लिखते हैं यहां पर से यहां पर एक लिखते हैं से हेलो, तो हेलो डबल कोटेशन के अंदर में, एंड दिस इज द स्ट्रिंग लिटरल। नाउ अगर यहां पर अगर हम से आइदर ट्रू लिखते हैं या फिर फॉल्स लिखते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द बुलियन लिटरल। And there is one another literal called the null literal. तो literal यहाँ पर क्या होगी? ये सारा constant value है, okay? सारा constant value है. So here like say 5 or 10, this is the integer literal. ये constant value है, okay? Then आता है assignment. Assignment क्या हो गया? It's an operator which assign a value. Say अगर हम a equal to 10 assign करते हैं, तो यहाँ पर 10 जो वैल्यू है वो किस में असाइन हो रहा है? ए में असाइन हो रहा है। तो यहाँ पर ए इज यूज एज एन आइडेंटिफायर, एंड दिस इज एन असाइनमेंट विच असाइन 10 वैल्यू टू ए। देन आता है सेपरेटर। से अगर हम लोग यहाँ पर अगर डिफाइन करते आई एन टी ए कॉमा बी कॉमा सी, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये जो कॉमा आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द सेपरेटर। एंड ये जो यहां पर आ रहा है, दिस इज ये सेमी कॉलन जो है, ये पंक्चुएटर है। देन आता है आइडेंटिफायर। जैसे कि हमने पहले बताया, यहां पर ए क्या हो गया? ए इज एन आइडेंटिफायर, ये यूज है एज एन आइडेंटिफायर। और यू कैन से लाइक ए बी प्लस 10 सी, सो दीज आर ए बी सी एज एन आइडेंटिफायर।
पंक्चुएटर, जैसे मैंने कहा सेमीकॉलन, हियर इज अ सेमीकॉलन इज अ पंक्चुएटर एंड ऑपरेटर्स. सो ऑपरेटर्स जो है, ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेट करता है. लाइक हियर प्लस, प्लस इज व्हाट, प्लस इज ऑपरेटर. एंड व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेटर इट इज, इट इज एन अरिथमेटिक ऑपरेटर. सो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ ऑपरेटर्स. लाइक से सब यहाँ पर है, पहला जो है वो प्लस है, माइनस है, इनटू है, डिवाइड का साइन है, परसेंटेज साइन है. तो दिस इज द अरिथमेटिक ऑपरेटर. देयर इज लॉजिकल ऑपरेटर टू. नाउ व्हाट इज लॉजिकल ऑपरेटर, और है, नॉट है, एंड. दैट इज अ रिलेशनल ऑपरेटर. देयर इज अनदर रिलेशनल ऑपरेटर्स. तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या है, दैट इज ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू. सो दीज आर ऑपरेटर्स, ऑपरेटर विच ऑपरेट ऑन टू ऑपरेंड्स. अगर मेरे दो वैल्यू है, सो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ए में 10 है एंड से बी में 20 है, देन सी इक्वल टू ए प्लस बी. यहाँ पर क्या हो गया, ए एंड बी जो है एक इसका अर्थमेटिक ऑपरेट हो रहा है एंड इसको ऐड करके इसमें वैल्यू देगा 30. सो होप करते हैं कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगा. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. थैंक यू.